हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है साहिल और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि हाउ टू चूज बिटवीन मेल डॉग एंड फीमेल डॉग, इसके बारे में। सो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप कंफ्यूज हैं कि हम मेल डॉग लें या फिर फीमेल डॉग, तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं श्योर हूँ कि आप लगभग 90% तो श्योर हो ही जाएंगे कि हम मेल लें या फिर फीमेल लें। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बिना टाइम वेस्ट करें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जब भी हम मेल और फीमेल में डिफरेंस की बात करते हैं, तो मेनली ये जो मैं आपको पांच फैक्टर बताता हूँ, इन्हीं में ज़्यादा डिफरेंस आता है। सो सबसे पहला फैक्टर है आपका बिहेवियर, दूसरा फैक्टर है प्राइस, तीसरा फैक्टर है साइज़, चौथा फैक्टर जो है वो हो गया आपका पर्पस, और जो पाँचवा फैक्टर हो गया वो हो गया आपकी थिंकिंग। सो अब मैं इन पाँचों फैक्टर्स को आपको डीपली एलोबरेट करता हूँ कि ये पांचों फैक्टर आपको कैसे इफ़ेक्ट करते हैं आपके डॉग को, अगर आप मेल या फीमेल में कंफ्यूज है तो। सबसे पहला फैक्टर जो था फ्रेंड्स, वो था हमारा बिहेवियर। सो जब भी हम बात करते हैं बिहेवियर की, जो मेल डॉग होते हैं वो फीमेल के मुकाबले ज़्यादा मतलब अग्रेसिव होते हैं। चाहे आप कोई सी भी ब्रीड ले, चाहे आप रॉटवाइलर ले या पिटबुल ले या फिर कोई भी ब्रीड ले, तो उसमें जो मेल डॉग होते हैं वो ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं, जबकि जो फीमेल डॉग होती है उनमें थोड़ा ज़्यादा मतलब बिहेवियर अच्छा रहता है। उनका फैमिली के लिए भी ट्रेन करने में भी ज़्यादा आसानी रहती है उनको, तो वो दूसरा पॉइंट ये जल्दी अडेप्ट भी कर लेती है कहीं पे भी। ऐसे जैसे अगर आप एग्जांपल के लिए समझे, आप एक मीडियम साइज़ के घर में या फिर एक छोटे घर में आप एक रॉटवाइलर का मेल लेते हैं, और तो आप उसको जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो उसको मतलब घर में घूमने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो वो इरिटेशन के कारण अग्रेसिव हो सकता है। लेकिन जो फीमेल है फ्रेंड्स, उसमें ऐसा नहीं है। फीमेल इतनी मतलब जिस हिसाब से उसको स्पेस मिल रहा है उस हिसाब से वो अपने आप को अडेप्ट कर लेती है जल्दी से। तो इसमें मेल और फीमेल में बिहेवियर में ये डिफरेंस पड़ता है कि ना तो फीमेल जो है वो ज़्यादा जल्दी अग्रेसिव होती, ना अपने मतलब फैमिली मेम्बर्स वगैरह को कोई बाइट वगैरह करने का कोई डर नहीं रहता, जबकि जो मेल है और स्पेशली जो अग्रेसिव ब्रीड है उनमें ये डर बना रहता है कि वो हमारे फैमिली मेम्बर्स को ही ना काट ले। तो ये थी मतलब बिहेवियर में चेंज की भी जो फीमेल डॉग होता है वो जो है वो मतलब ज़्यादा अच्छी रहती है अगर हम फैमिली के लिए देखें या फिर वैसे देखें तो, जबकि जो मेल डॉग होता है वो थोड़ा अग्रेसिव हो सकता है फैमिली के लिए भी, अगर उसको मतलब ढंग से ना सोशलाइज़ किया जाए तो। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा प्राइस। सो फ्रेंड्स, प्राइस के मामले में भी जो है फीमेल डॉग वो मेल से मतलब सस्ती रहती है, क्योंकि जैसे अब आप कहीं पे भी बात करें तो आप जैसे पाकिस्तानी बुली का एक पेयर लेने जा रहे हैं तो आपको मेल पड़ेगा 17,000 का और फीमेल मिलेगी लगभग 14,000 की। एस्टिमेशन प्राइस है फ्रेंड्स ये, वैसे और प्राइस चेंज हो भी सकता है और नहीं भी। एक मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, तो जैसे जो फीमेल है वो आपको सस्ती पड़ती है और जो मेल है वो आपको थोड़ा महंगा पड़ता है क्वालिटी वाइज। सेम क्वालिटी आपको एक ही मदर के बच्चे आपको मेल थोड़ा महंगा मिलेगा, जबकि जो फीमेल है वो आपको थोड़ी सस्ती मिलेगी। और जब अगर हम बात करें कोई एग्जोटिक ब्रीड्स की, जैसे इंग्लिश बुलडॉग हो गए या फिर और कोई एग्जोटिक ब्रीड होगी जो मतलब कम पाई जाती है इंडिया में या फिर किसी किसी के पास ही है, तो उस कंडीशन में जो है वो फीमेल जो है वो थोड़ी महंगी होती है, जबकि जो उसमें मेल उससे 2-4 हज़ार थोड़ा सस्ता हो सकता है। ऐसा कंफर्म नहीं है भाई, होगा ही लेकिन हो भी सकता है, जबकि जो ब्रीड मतलब फीमेल है वो थोड़ी महंगी हो सकती है मेल के मुकाबले एग्जॉटिक ब्रीड्स। तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा पर्पस। सो फ्रेंड्स, तीसरा पर्पस भी आपका मतलब ये वो करता है भाई, आप किस पर्पस के लिए आप डॉग लेना चाहते हैं। आप अपने घर के लिए ही लेना चाहते हैं या फिर आपको आगे बिजनेस में जाना है इसी लाइन में। सो इसी के कारण भी आपका मेल और फीमेल में भी मतलब दिक्कत आती है कि भाई हम क्या लें। तो आप पहले फीमेल से स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस लेना है तो आप फीमेल ले सकते हैं, और अगर आप घर पर रखना चाहते हैं जैसे, तो आप उसमें भी आप ले सकते हैं फीमेल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और मेल भी ले सकते हैं उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मैंने आपको पहले दो पॉइंट बताए आप उनको लेकर चलिएगा, इसमें आप घर के लिए तो मतलब श्योर हो जाएंगे कि हमें क्या लेना है और क्या मतलब मेल लेना है या फिर फीमेल लेनी है। सो चौथा पॉइंट है फ्रेंड्स हमारे पास साइज़।
जो फीमेल होती है फ्रेंड्स वो मेल के मुकाबले थोड़ी छोटी होती है, 2-3 इंच लगा लीजिए, 4 इंच लगा लीजिए, जबकि जो मेल होता है वो फीमेल के मुकाबले थोड़ा बड़ा होता है और हैवी भी होता है। तो मेल को जो है एक्सरसाइज वगैरह की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, जबकि जो फीमेल को है वो इतने ज़रूरत नहीं है। सो ये तो थे फ्रेंड्स हमारे 4 पॉइंट, बिहेवियर, प्राइस, पर्पस और साइज़, ये मैंने आपको एक्सप्लेन की। अब जो हमारा लास्ट पॉइंट है 5th, वो है हमारा थिंकिंग। भी आप जो जब आप डॉग लेने जा रहे हैं तो आपकी थिंकिंग क्या है कि आप फीमेल को कैसे ट्रीट करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, अभी आपको ये है कि अगर हम फीमेल लेंगे तो वो हमारे घर को मतलब ऐसे गंदा कर देगी, तो उस कंडीशन में भी आप मेल के लिए जा सकते हैं। और अगर आप ये है भाई हमको सिर्फ मेल ही लेना है, तो उस कंडीशन में भी आप मेल के लिए जा सकते हैं। तो इसके ऊपर थिंकिंग में आपकी थिंकिंग डिपेंड करती है कि आप फीमेल को लेते कैसे हैं। अभी वो हमारा घर मतलब गंदा कर देगी, या फिर आप ये सोचते भाई आज हम फीमेल लेते, जब ये पपी आएंगे तो हम इनको सेल करके भाई हम इसका खर्चा दोबारा से निकाल सकते हैं, या फिर आप ये सोचते हैं भाई जब इसका बच्चे आएंगे तो वो हमारे लिए बर्डन हो जाएंगे, उनको पालना पड़ेगा और उनको सेल भी करना पड़ेगा। ये प्रॉपर आपकी थिंकिंग है कि आप मतलब फीमेल को कैसे लेते हैं। कि भी आप जैसे कई और भी यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने भी कहा है भाई जो फीमेल होती है वो खुद का खर्चा खुद निकाल लेती है। तो जैसी आपकी थिंकिंग होगी उस हिसाब से आप मेल और फीमेल में मतलब चेक कर सकते हैं भाई, डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या लेना है, मेल लेना है या फिर फीमेल लेना है। सो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेल और फीमेल में डिफरेंस समझ आ गया होगा और आप श्योर हो जाएंगे इस वीडियो के बाद कि आप भी मेल लेना है या फिर फीमेल लेनी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। थैंक यू।